طويت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وتنقى. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أفضل الأولين وأشرف الآخرين، العبد المعيّد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عفو يحب العفو. मोमिनीन किराम, आज आपकी खिदमत में अखलाक़ी ख़ूबियों में से और अखलाक़ी कमालात में से और इंसान की अज़ीम सिफ़ात में से एक अहम तरीन सिफ़त के हवाले से और एक ख़ूबी के हवाले से गुफ्तगू करना है। वो अहम तरीन सिफ़त अफ़ू और गुज़श्त है। अफ़ू की फ़जीलत और अफ़ू की अहमियत और अज्र व सवाब के बारे में आज जो है वो गुफ्तगू करना है। अफ़्व और गुज़श्त का मानी यह है कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी ख़ताएँ और एक दूसरे के बारे में गलतियाँ और लग़ज़िशें और इश्तिबाहात जो है वो वजूद में आती है। मिसाल के तौर पर जो बुज़ुर्ग अफराद है उनकी बुज़ुर्गी का ख़्याल नहीं रखते और उनका जो मकाम है, उनकी जो मंजिलत है, उसके बारे में हम बहुत जो है नाइंसाफ़ी करते हैं या उनका जो हुर्मत और मंजिलत है उसका ख़्याल नहीं रखते। माँ बाप के हवाले से औलाद बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत ख़ताएँ करते हैं। इसी तरीक़े से उस्ताद के हवाले से उस्ताद का जो हुर्मत है, उस्ताद का जो मकाम और मंजिलत है, उसका ख़्याल नहीं रखते और उसके बारे में गुस्ताखी करते हैं और उनके बारे में नाइंसाफ़ी करते हैं। या जो घरेलू अफराद हैं, एक दूसरे के हुकूक़ का ख़्याल नहीं रखते और कभी कभार जो है एक दूसरे से जो है वो गलतियाँ होती है। और जैसे बीवी जो है वो कभी कभार शौहर के हुकूक़ के हवाले से गुस्ताखी करते हैं और उसके हुकूक़ को बजा लाने में या उसका जो मकाम है, मंजिलत है, उसका ख़्याल रखने में कोताही करते हैं और गलतियाँ जो है वो कर लेते हैं। तो अब इन तमाम मौक़े पर जो है इस्लाम ने हमें जो दस्तूर दिया है वो अफ़ू और गुज़श्त का दस्तूर है। यानी अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कोई गलती किया है, तुम्हारे मकाम का ख़्याल नहीं रखा है, तुम्हारी मंज़रत का ख़्याल नहीं रखा है, तुम्हारे हुकूक़ का ख़्याल नहीं रखा है और उसने तुम्हारे बारे में जुल्म किया है, गुस्ताखी की है, नाइंसाफ़ी की है, तो इसके बारे में दिल में कीना ना रखें। दिल में जो है वो इस बात का ख़्याल ना रखें कि फ़लाँ ने मेरे ऊपर जुल्म किया था, फ़लाँ ने गुस्ताखी किया था, मेरे मकाम और मंजिलत का ख़्याल नहीं रखा था। फ़र्ज़ करते हैं कि बीवी जो है वो शौहर के बारे में, शौहर के हुकूक़ का ख़्याल ना रखें, तो शौहर जो है वो बीवी को माफ़ कर दें, दरगुज़र कर दें और उसको बख्श दें और अफ़ू करें। इसी तरीक़े से शागिर्द जो है वो उस्ताद के मकाम का ख़्याल ना रखें, उसके हुकूक़ का ख़्याल ना रखें। तो उस्ताद का बुज़ुर्गी यह है, उस्ताद की मंजिलत का तकाज़ा यह है, मकाम का तकाज़ा यह है, वो अपने शागिर्दों को माफ़ कर दें और दरगुजर कर दें और बख्श दें। इसी तरीक़े से माशरे में एक दूसरे के बारे में, एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में नाइंसाफ़ी करते हैं, गलती कर लेते हैं, या एक हमसाया दूसरे हमसाये के बारे में गलती करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, बाज़ औक़ात जुल्म कर लेते हैं। तो रिवायात में आया है अगर किसी ने तुम्हारे हुकूक़ के बारे में हक़ का ख़्याल नहीं रखा है, तुम्हारे हक़ के सिलसिले में कोताही की है, नाइंसाफ़ी की है, या तुम पर कोई जुल्म किया है, या जो है तुम्हारे ऊपर जो है तुम्हारी किसी चीज़ को उसने ले लिया है और उसके बारे में माफ़ी तलब नहीं किया, तो इन तमाम मवारिद में जहाँ किसी आपका हक़ दूसरे के गर्दन पर है और आपके मकाम का ख़्याल नहीं रखा है, इन तमाम मवारिद में इस्लाम ने हमें दस्तूर दिया है कि एक दूसरे को माफ़ किया करो, एक दूसरे को दरगुजर किया करो और एक दूसरे को बख्श दिया करो। अफ़ू करना, दरगुजर करना, बख्श देना, ये खुदा की सिफ़ात में से है, ये अंबिया की सिफ़ात में से है, यह औलिया की सिफ़ात में से है। औलिया दरगुजर करते थे, माफ़ करते थे, और इसी तरीक़े से अंबिया जो उनकी उम्मतों ने और उनके मानने वालों ने जो उनके शान में गुस्ताखियाँ की है, उनको माफ़ किया है, दरगुजर किया है। न तना माफ़ किया है बल्कि उनके लिए दुआ की है बारगाह इलाही में, खुदा से भी जो है ना वो माफ़ी तलब की है। इसी तरीक़े से खुदा की सिफ़ात में से ये है कि खुदा बंदे को बख्श देते हैं, माफ़ करते हैं, और बंदे की जो गलतियां हैं, बंदे की जो ख़ताएँ हैं, बंदे की जो लग़ज़िशें हैं, बंदों की जो हज़ारों गुनाह हैं, अल्लाह उन गुनाहों की वजह से उसको जहन्नम में नहीं डालते। जब वो तौबा कर लेते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो परवरदिगार आलम बंदे की ख़ताओं को, बंदे के गुनाहों को बख्श देता है। इसलिए हमारे लिए रिवायात में आया है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे, तुम्हारी ख़ताओं को बख्श दे, तुम भी एक दूसरे की गलतियों को बख्श दो, एक दूसरे की ख़ताओं को बख्श दो। अगर किसी ने तुम्हारे शान में गुस्ताखी की है, नाइंसाफ़ी की है और तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचा है, तुम नाराज़ हुए हैं, तो अपनी नाराज़गी को, अपनी कीने को दिल में लेके ना रहो। खुदा जिस तरीक़े से माफ़ कर देता है, बख्श देता है, इस तरह तुम भी जो है ना एक दूसरे को माफ़ किया करो। ये सूरह मुबारका नूर की आयत है। फल्याफ़ू वल्यस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम। फल्याफ़ू, एक दूसरे को माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो। वल्यस्फ़हू, और एक दूसरे के दिल में जो बातें हैं उस दिल से उस बात को निकाल दो, दरगुजर करो, माफ़ कर दो। क्या तुम नहीं चाहते अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम, खुदा तुम्हें बख्श दे, खुदा तुम्हें माफ़ करे। यानी अगर तुम ये चाहते हो कि खुदा की अफ़ू को हासिल करें, खुदा की माफ़ी को हासिल करें, तो तुम भी माफ़ कर दो ताकि खुदा भी जो है ना वो माफ़ कर दें। जो अपने हुकूक़ को दूसरों को माफ़ कर देता है, दूसरों की ख़ताएँ लग़ज़िशों को जो माफ़ करने वाले इंसान है, अल्लाह ताला भी उसको जो है ना वो माफ़ कर देता है और बख्श देता है। लिहाजा आज जो है हम आपकी खिदमत में अफ़ू की फ़जीलत और दरगुजर करने की अज़मत और फ़जीलत और माफ़ करने वालों के मकाम और मंजिलत के बारे में जो वो गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अफ़ू के बारे में क़ुरान पाक में मुतअद्दिद आयात हैं जो अफ़ू की ताक़ीद की गई है और अफ़ू करने वालों की मंजिलत और मकाम को बयान किया गया है और उनकी फ़ज़ीलत को बयान किया गया है। सूरह मुबारका आल इमरान की आयत नंबर 134 में अहल तक़वा की सिफ़ात को बयान किया गया है, मुत्तक़ीन के तारुफ़ किया गया है, मुत्तक़ीन की मुआरिफ़ी किया गया है और उनकी जो सिफ़ात है, उनकी जो ख़ूबियाँ हैं, उनकी जो अज़ीम मंजिलतें हैं, उनको बयान किया है। अहल तक़वा की सिफ़ात और शनाख्त को बयान करते हुए फरमाया है अहल तक़वा वो लोग हैं जो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे को बख्श देते हैं, दरगुजर करने वाले हैं। लिहाजा मुत्तक़ी को अगर पहचानना हो, मुत्तक़ी की अगर शनाख्त हासिल करना हो, तो देखो कि वो मुत्तक़ी उस शख्स का नाम है जो माफ़ करने वाले, दरगुजर करने वाले हैं। इस आयत में सूरह मुबारका आल इमरान की आयत नंबर 134 में सबसे पहले फरमाया है कि जन्नत जो है वो मुत्तक़ीन के लिए बनाया गया है, जन्नत मुत्तक़ीन की जगह है, मुत्तक़ीन की ठिकाना है, और मुत्तक़ीन की सिफ़ात ये हैं। फिर 5 सिफ़ात को बयान किया है। लिहाजा 5 सिफ़त किसी भी इंसान में है वो मुत्तक़ी है, उसकी जायगाह जन्नत है, उसकी जायगाह बहिश्त है। अब आइए इन आयत को आपके खिदमत में बयान करते हैं। अलजन्नतु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, कि जन्नत जो है वो मुत्तक़ीन के लिए तैयार की गई है, जन्नत मुत्तक़ीन की जगह है। कौन है मुत्तक़ीन? मुत्तकीन की पहचान क्या है, उनकी फिर सिफात और उनकी पहचान बयान करते हुए फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा। अहल तक़वा वो लोग हैं जो इन्फ़ाक़ करते हैं, राह इलाही में ख़र्च करते हैं। यानी मुत्तकी बख़ील नहीं है, मुत्तकी कंजूस नहीं है, बल्कि मुत्तकी सखी है, अहल इन्फ़ाक़ है। ख़र्च करते हैं, ज़कात निकालते हैं, खुम्स निकालते हैं, गरीबों को देते हैं, ज़रूरतमंदों को देते हैं। किस सूरत में? अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा। सख्तियों में भी देते हैं, मुश्किलात में होने के बावजूद भी देते हैं। वज़्ज़र्रा मुश्किलात में देते हैं, वस्सर्रा जहाँ आसाइश है, माल दौलत की फरावानी है। जब माल और दौलत की फरावानी हो, आसाइश हो, खुशहाली का वक्त हो, उस वक्त भी देते हैं। जब मुश्किलात में गिरे हो तब भी देते हैं। यानी मुराद ये है कि हर हाल में, हर सूरत में वो इन्फ़ाक़ करते हैं, ख़र्च करते हैं। लिहाजा मुत्तकी की सबसे पहली अलामत यह है कि वह अहले इन्फ़ाक़ है, वो सखी है और वो जूद व करम के मालिक है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, ये पहली सिफत। दूसरी सिफत वल काज़िमीन अलग़ैज़, मुत्तकी अपने गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो मुत्तकी नहीं है तो गुस्से में आता है, तो गुस्से में आकर बहुत कुछ कर बैठता है, मुमकिन है किसी का सर तोड़ दे। बहुत सारे लोग गुस्से में आकर ख़तरनाक गुनाहों को अंजाम देते हैं। मैंने अपनी निगाह से एक मरतबा मुशाहिदा किया, देखा कि एक आदमी को जब गुस्सा आया तो किसी के कल्ब में, सीने में छुरा खोप दिया, उसको उसी वक्त जो है वो मार दिया। यानी गुस्सा ख़तरनाक जो है ना वो दुश्मन है। इसीलिए रिवायत में आया है अलग़ज़ब मिफ्ताह कुल्ल शर, गुस्सा जो है हर बुराई की चाबी है। लेकिन मुत्तकी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, गुस्से को पी जाता है। ऐसा नहीं कि गुस्सा आ गया तो मार दिया, सर तोड़ दिया, पाँव तोड़ दिया। मुत्तकी इंसान, उसका तक़वा जो है वो उसके गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, गुस्से को जो है वो पी जाता है। इसलिए इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा वल्काज़िमीन अलग़ैज़, मुत्तकी गुस्से को पीने वाले हैं, गुस्से को कंट्रोल करने वाले हैं। तीसरी सिफत जो अहल तक़वा की बयान की गई है वल आफ़ीना अनिन्नास। अहल तक़वा अहल आफ़ू है, अहल गुज़श्त है, माफ़ करने वाले हैं। वल आफ़ीन माफ़ करने वाले हैं, अफ़ू करने वाले हैं। अनिन्नास लोगों की जो लग़ज़िशें हैं, ख़ताएँ हैं, इश्तिबाहात हैं, उनकी शान में जो गुस्ताखी की गई है, उनके हुकूक़ जो मारे गए हैं वो माफ़ कर देते हैं। शोहर है तो बीवी को माफ़ कर देते हैं, उस्ताद है तो शागिर्द को माफ़ कर देते हैं, माँ बाप है तो औलाद को बख्श देते हैं, बुज़ुर्ग शख्सियत है तो अपनी बुज़ुर्गी की वजह से आम लोगों की जो कोताहियाँ हैं, लग़ज़िशें हैं, ख़ताएँ माफ़ कर देते हैं। रिश्तेदार एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। इस बात पर आप तवज्जो करें, थोड़ा दिक्कत फरमाएँ। अगर रिश्तेदारों में से एक दूसरे की कोई गलती हुई है, नाइंसाफ़ी की है और उसकी खुशी में नहीं आया, उसको बीमार हुए तो अयादत के लिए नहीं आए, या उसकी शान में गुस्ताखी की गई, आप इसी कीने को अगर दिल में लेकर रहते हैं और हमेशा इसी बात को अपने दिल में रखते हैं तो आप अहले तक़वा नहीं हैं। आपके दिल में कीना है, आपके दिल में बुग़्ज़ हैं। आप माफ़ कर दें, उसने गलती की तो आप क्या इस गलती को हमेशा याद रखोगे? कुरान कह रहा है कि माफ़ कर दो। अगर माफ़ करोगे तुम अहले तक़वा है और तुम्हारी जन्नत, तुम्हारी मकाम जो है जन्नत है। लिहाजा माफ़ करने वाले अहले तक़वा है। कीना दिल में लेकर रखने वाले, दिल में हमेशा बात को हमेशा दिल में रखने वाले जो इंसान है वो अहले तक़वा नहीं है। मुत्तकी दिल में कीना नहीं रखते और दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते, या दिल में जो है ना हमेशा किसी ने अगर गलती की तो उसको हमेशा दिल में छुपा के नहीं रखते, बल्कि उसको माफ़ कर देते हैं। गलतियाँ इंसान से होती है, हमेशा ख़ताएँ होती है। अहले तक़वा मुत्तकी की जो पहचान कुरान ने बयान की है, मुत्तकी अहले आफ़ू है, अहले गुज़श्त है, माफ़ करने वाले लोग हैं। वल आफ़ीना अनिन्नास, और लोगों को माफ़ करने वाले हैं और बख्श देने वाले हैं। ये चौथी सिफत है। पांचवी सिफत है जब वो गुनाह करते हैं इस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और बारगाह इलाही में इस्तग़फ़ार करते हैं। यानी अगर लोगों की जो ख़ताएँ हैं वो ख़ुद माफ़ कर देते हैं, अपनी जो गलतियाँ हैं, जो गुनाह हैं, उसको बारगाह इलाही में माफ़ी के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। इस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, वो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं बारगाह इलाही से। और कौन है अल्लाह के अलावा जो बंदों के गुनाहों को बख्श दे, बंदों के ख़ताओं को बख्श दे। वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, गुनाहों को नहीं बख्शता है मगर खुदा की ज़ात, वो गफ़ारुज़्ज़ुनूब ज़ात, वो गुनाहों को बख्श देता है। लिहाजा अहल तक़वा की पांच सिफात। पहली सिफत अहल तकवा सखी है, इन्फ़िक़ून फ़ी सर्राए वज़र्रा, हमेशा इन्फ़ाक़ करते हैं और वो बख़ील और कंजूस नहीं है। दूसरी सिफत वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को जो है वो पी जाते हैं। और तीसरी जो सिफत है वल आफ़ीन अनिन नास, और लोगों को जो है ना वो माफ़ कर देते हैं। और चौथी जो सिफत है एहसान करते हैं, नेकी करते हैं। पांचवी जो सिफत है अपने गुनाहों की और अपने ख़ताओं की जो है वो बारगाह इलाही से इस्तग़फ़ार करते हैं। ये आयत नंबर 134 सूरह मुबारक है आल इमरान की। लिहाजा इस आयत की रोशनी में खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, और मुत्तकी बनने के लिए इन सिफ़ात का अपनाना ज़रूरी है। और ये सिफ़ात अगर तुम में है तो तुम मुत्तकी है, फिर तुम्हारे लिए बशारत है कि जन्नत जो है वो तुम्हारी जगह है। और कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर है अल जन्नतु उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत जो है वो मुत्तकीन के लिए बनाई गई है। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, कामयाबी जो है ना मुत्तकीन के लिए है। इन्ना लिल मुत्तकीन मफ़ाज़ा, सारी कामयाबियाँ जो है मुत्तकीन के लिए। लेकिन मुत्तकी कौन है? वो हैं जो दरगुजर करने वाले हैं, इन्फ़ाक़ करने वाले हैं, गुस्से को पी जाने वाले लोग हैं और अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करते हैं। इसी तरीक़े से अफ़ू और गुज़श्त की ताक़ीद और उसकी फ़जीलत को बयान करते हुए सूरह मुबारक शूरा की आयत नंबर 40 में है अफ़ू करने वालों का जो जज़ा है, उनकी जो पादाश है, वो खुदा के ज़िम्मे में है। अल्लाह ने अपने ज़िम्मे में लिया है, अपनी ज़िम्मेदारी में, यानी अपने गर्दन पे लिया है। उन लोगों का मकाम मेरे ज़िम्मे पर है, उनका अज्र सवाब मेरे ज़िम्मे पर है जिन्होंने मेरे बंदों को माफ़ कर दिया है, मेरे बंदों को बख्श दिया है। अगर तुमने मेरे बंदों को बख्श दिया है, तुम्हारा अज्र, तुम्हारा सवाब मेरे ज़िम्मे में है। तुमको बख्शना मेरा काम है। तुम ज़रा बख्श दो, तुम माफ़ करो। तुम अगर माफ़ करोगे तो मैं ज़िम्मे में लेता हूँ कि तुमको भी माफ़ कर दूँगा। सूरह मुबारक शूरा की आयत नंबर 40। फ़मन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन। फ़मन अफ़ा, वो शख्स जिसने लोगों को माफ़ कर दिया है, लोगों ने उसके बारे में नाइंसाफ़ी की थी, गुस्ताखी की थी, लेकिन उसने इंतकाम के बजाय, दिल में बात रखने के बजाय उसको माफ़ कर दिया, दरगुजार कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन बारगाह इलाही से निदा आएगी, अहल क़यामत सब उस निदा को, उस आवाज़ को, उस सदा को सुनेंगे। खड़े हो जाओ वो लोग जिनका अजर मेरे गर्दन पर है, जिनका सवाब मेरे गर्दन पर है, यानी जिनका हक़ मेरे ऊपर है, वो खड़े हो जाए। खुदा पर किसी का हक़ है? खुदा का हक़ सब पर है। खुदा मुनइम है, खुदा मोहसिन है, खुदा खालिक है, खुदा मालिक है, सारे हक़ खुदा का है। हमारा हक़ क्या खुदा पर है? अल्लाह ताला ऐलान करता है उठें, किसी का हक़ अगर मेरे गर्दन पर है, मेरे ज़िम्मे में है, मेरे ज़िम्मे में अगर किसी का अजर है, सवाब है, तो वो उठे, मैं उसको उसका हक़ अदा करने वाला हूँ, मैं उसका सवाब जो है ना अदा करने वाला हूँ। पैगम्बर का फरमान है युनादिल मुनादी यौमल क़यामह, क़यामत के दिन निदा देगा एक मुनादी, मन काना लहू अलल्लाहि अज्रुन फलयकुम, किसी का हक़ खुदा पर हो, किसी का सवाब खुदा के गर्दन पर हो, वो उठें। खुदा अपना हक़ अदा करने के लिए तैयार है, अजर और सवाब देने के लिए तैयार है। कौन है? जिसका हक़ खुदा पर है, जिसका सवाब देना खुदा पर वाजिब और लाजिम है। पैगम्बर ने फरमाया ला यकुम इल्लल आफून, खड़े नहीं होंगे, कोई शख्स उठेगा नहीं, मगर वो लोग उठेंगे जिन्होंने लोगों की ख़ताओं को माफ़ कर दिया है, गलतियों को माफ़ कर दिया है। बीवी ने शौहर को माफ़ कर दिया है, शौहर ने बीवी को माफ़ कर दिया है, और औलाद ने बाप को माफ़ कर दिया है, बाप ने औलाद को माफ़ कर दिया है, हमसाये ने हमसाये को माफ़ कर दिया है, रिश्तेदार ने रिश्तेदार को माफ़ कर दिया है। अगर माफ़ किया है तो ये माफ़ करने वाले उठेंगे, बारगाह इलाही में पहुँचेंगे। परवरदिगार आलम फरमाएंगे हाँ, तुम्हारा हक़ मेरे गर्दन पर है, तुम्हें जन्नत में ले जाना, तुम्हारी ख़ताओं का, तुम्हारे गुनाहों का माफ़ करना मुझ पर वाजिब है, इसलिए कि तुमने माफ़ किया था, तुम खुद माफ़ करने वाले थे। अब मुझ खालिक पर ज़रूरी है तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे, तुम्हें जन्नत में ले जाए। फला यकुम इल्लल आफून, अहले अफ़ू उठेंगे, बारगाह इलाही में पहुँचेंगे, परवरदिगार आलम इनके सारे गुनाह और ख़ताओं को माफ़ कर देंगे। और इनके अजर और सवाब ये है कि अल्लाह इनको जन्नत में जगह अता करेंगे। ये कहने के बाद फिर पैगम्बर ने इस आयत की तिलावत फरमाया अमा तस्मा क़ौलहु ताला, क्या तुम लोगों ने खुदा का यह फरमान नहीं सुना, फ़मन आफ़ा व असलहा फ़अज्रुहु अल्लाह, वो शख्स जो अफ़ू करता है, बख्श देता है, व असलहा और अपनी इस्लाह कर लेता है, फ़अज्रुहु अल्लाह, उसका अजर खुदा पर है। बस खुदा ने अपने गर्दन पर, अपने ज़ात पर, अपने हस्ती पर ज़रूरी करार दिया है अहले अफ़ू को बख्श देना, अहले अफ़ू को जज़ा देना, अहले अफ़ू को जन्नत में ले जाना। ये अहले अफ़ू का मकाम और मंजिलत है। परवरदिगार आलम अपने आप को उनकी निस्बत से गोया कि उनके हक़ को अपने गर्दन पे ले रहा है कि हाँ तुम्हारा हक़ मेरे गर्दन पे है। वो ये कि तुमने माफ़ कर दिया है, अब मैं जो है तुम्हारे ख़ताओं को माफ़ कर दूँ और तुम्हें जन्नत में जो है ना वो जगह अता करूँ। ये अहले अफ़ू का मकाम और मंजिलत है। मज़ीद जो है अब आते हैं कुछ रिवायात जिनमें अफ़ू की फ़जीलत और अफ़ू की ताक़ीद को जो है वो बयान किया गया है। सरवर कायनात ख़त्मी मरतबत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तीन चीज़ें दुनिया और आखरत दोनों की बुज़ुर्गी का सबब है। अगर तुम चाहते हो दुनिया में भी तुम्हें बुज़ुर्गी मिले, मकाम मिले, मंजिलत मिले, इज़्ज़त मिले और क़यामत में भी तुम्हें बुज़ुर्गी और मकाम मिले, तो तुम्हें तीन काम करने होंगे। ये तीन काम करने वाले दुनिया में भी बुज़ुर्गी के मालिक हैं, मकाम और मंजिलत के मालिक हैं और क़यामत में भी यही लोग बुज़ुर्गी के मालिक है। इनको अल्लाह ताला बुज़ुर्गी और फजीलत और अज़मत अता करेंगे। लेकिन तीन सिफ़तें फरमाया, सलासतुन मिन मकारिमिद दुनिया वल आखिरा, तीन सिफ़ात हैं जो किसी में हो तो दुनिया और आखिरत दोनों में उसके लिए बुज़ुर्गी खुदा अता करता है। सबसे पहली चीज़, अन तअफ़ु अम्मन ज़लमक, माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो उस शख्स को जिसने तुम पे जुल्म किया है, तुम्हारे शान में गुस्ताखी की है, तुम्हारे हक़ को अदा नहीं किया है और तुम्हारे हक़ को ज़ाया किया है। ठीक है, तुम्हारा हक़ है उसकी गर्दन पर, तुम्हें हक़ है, तुम्हारा हक़ उसकी गर्दन पर है, लेकिन खुदा चाहता है तुम अगर बुज़ुर्गी चाहते हो तो उसको माफ़ कर दो। जिसने तुम्हारे शान में गुस्ताखी की, तुम पर जुल्म किया, तुम्हारा नाइंसाफ़ी की, तुम्हारा हक़ को अदा नहीं किया है, तुम उसको माफ़ कर दो। अगर तुमने उसको माफ़ कर दिया तो अल्लाह तुम्हें बुज़ुर्गी अता करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मसलन बीवी ने गुस्ताखी की है, अब शौहर अगर बुज़ुर्गी चाहता है तो बीवी को माफ़ कर दे। औलाद ने माँ बाप के हक़ में गुस्ताखी किया है, माँ बाप का बहुत अजीम मकाम है, कौन अदा कर सकता है माँ बाप का हक़। हमेशा माँ बाप के शान में कोताही ही करते हैं, गुनाह ही करते हैं, नाफरमानी करते हैं, दिल आज़ारी करते हैं, लेकिन माँ बाप अगर बुज़ुर्गी चाहें तो अपनी औलाद को माफ़ कर दें। ठीक है, तुमने माँ बाप का हक़ तो अदा नहीं किया, तुमने बहुत दिल सताया है, बहुत रुलाया है, बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ पहुँचाया है, लेकिन माँ का दिल है, बाप का जिगर है, वो माफ़ कर दें, अपने औलाद को दुआ दें, अपनी औलाद को दुआ दें। अगर माँ बाप की शान में औलाद ने गुस्ताखी की है तो दिल में ये बात ना रखें, आप बुज़ुर्ग हैं, आप माँ बाप हैं, तो आप उनको माफ़ कर दें। रिवायात में है कि अगर तुम अपनी औलाद को माफ़ कर दोगे तो अल्लाह भी माफ़ करेगा और अल्लाह तुम्हें बुज़ुर्गी अता करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लिहाजा सबसे पहली जो बुज़ुर्गी की सबब है, अन तअफ़ु अम्मन ज़लमक, अफ़ू कर दो, दरगुजर कर दो उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया है। मोमिनीन किराम, मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया, अफ़ू करना, दरगुजर करना अम्बिया की सिफत है। इस तारीख़ बशरियत में सबसे ज़्यादा अफ़ू जिस ज़ात ने, जिस हस्ती ने की है, वो सरवर कायनात की ज़ात है, वो ख़त्मी मरतबत है, जिसे खालिक़ दो जहाँ ने रहमत लिल आलमीन का लक़ब दिया है। उस रहमत आलम की शान में हर एक ने गुस्ताखी की है। तो पैगंबर ने हाथों को जब बुलंद किया तो असहाब समझने लगे कि अब पैगंबर नफरीन करेंगे, बददुआ करेंगे, लेकिन वो तारीख़ी जुमला सरवर कायनात ने अपनी उम्मत को तालीम देते हुए, अफ़ू और गुज़श्त की सीरत सिखाते हुए फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, परवरदिगारा तू मेरी कौम को हिदायत फरमा, इन्हें राह रास्त पे ला, इनको हिदायत फरमा, इसलिए कि मेरी कौम जानती नहीं है, मेरी मंजिलत को, मेरी जो शराफत है, मकाम है, उसको जानती नहीं है। परवरदिगार मैंने माफ़ कर दिया है, तू भी माफ़ कर दे। कौम ने जफा की है, पैगंबर ने दुआ की है, पैगंबर कौम ने दगा की है और पैगंबर दुआ कर रहे हैं और उनके लिए मग़फ़िरत के लिए बारगाह इलाही में दुआ हाथों को उठाया है। ये हैं पैगंबर की सीरत के जुल्म करने वाले हैं, मुशरिकीन हैं, सरसख्त दुश्मन हैं, उस दुश्मन को भी पैगंबर ने माफ़ कर दिया और बारगाह इलाही में दुआ की और उनकी माफ़िरत, उनके हक़ में हिदायत के लिए पैगम्बर ने बारगाह इलाही में दुआ की। पैगम्बर दुश्मन को भी माफ़ कर रहे हैं, मुशरिकीन को भी माफ़ कर रहे हैं, और आपने क्या अपने दोस्तों को माफ़ किया है, अपने हमसायों को माफ़ कर दिया है। ये ऐसे ऐसे इंसान हमने अपने आंखों से देखे कि इतना कीना उनके दिल में है कि ज़िंदगी भर कीना लिए बैठते हैं, ज़िंदगी भर दिल में जो ज़रा सी गुस्ताखी किसी ने की उसको भूलते नहीं हैं। लिहाजा अगर आप पैगम्बर की उम्मत हैं तो आप माफ़ कर दें जैसे पैगम्बर ने जो है ना माफ़ कर दिया है। हज़ारों वाक़यात है पैगम्बर ने किस तरीके से माफ़ किया और दरगुजर करते रहे। लिहाजा सबसे पहली जो बुज़ुर्गी की सिफत है वो पैगम्बर ने फरमाया अंताफ़ु अम्मन ज़लमक, जिन्होंने आप पर जुल्म किया है उनको अगर आपने माफ़ कर दिया तो ये बुज़ुर्गी की अलामत है, ये वाक़न आपकी वसअत-ए ज़र्फ़ की अलामत है, आपकी दिल की बुज़ुर्गी की अलामत है, आपकी फ़िक्र की बुज़ुर्गी की अलामत है, आपकी शख्सियत की बुज़ुर्गी की अलामत है। आपको अल्लाह ताला दुनिया में भी बुज़ुर्गी अता करेगा, आखिरत में भी। दूसरी सिफत वतसिला मन क़तअक, आप राबिता करें और जाएँ उसके घर में जिसने आपसे राबिते को मुनक़ते किया है। तसिला सिले रहमी करें, राबिता बरकरार करें, जाएँ उनके घर में मनक़ताक जिन्होंने आपसे क़तअ राबिता किया है। उसने तो आपसे क़तअ राबिता किया है लेकिन आप उसी से राबिते को जिन्हें वो बढ़ाएँ। जब आपकी खुशी थी, जब आपकी परेशानी थी, उसने शिरकत नहीं की, वो आपकी खुशी में शरीक नहीं हुआ, आपकी बीमारी में अयादत के लिए नहीं आया, उसने राबिता मुनक़ते की। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप इसको दिल में न रखें, आप उसको माफ़ कर दें और उसके साथ राबिते को बरकरार रखें। जब उसकी खुशी हो जाए आप उसकी खुशी में चले जाएं, जब वो बीमार हो जाए तो आप उसकी अयादत के लिए चले जाएं। तवज्जो करना कहना बहुत आसान है लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल है। इंसान के दिल में ये बात रहती है, आप बीमार हुए थे वो नहीं आए, आपके बेटे की खुशी हो रही थी, शादी थी वो नहीं आए, आपकी किसी मरासिम में, किसी भी शादी में, खुशी में वो शरीक नहीं हुए, तो आपके दिल में बात है लेकिन आप उन क्या खुशी हो रही है, अब वो बीमार हो गए हैं, आप क्या करते हैं। अब इसी बात को अगर आपने दिल में रख दिया तो आप बुज़ुर्ग नहीं हैं, आप मुत्तकी नहीं हैं। हाँ, आपने उसको माफ़ कर दिया, चलो उसने जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन आपने अगर बुज़ुर्गी करके उसके पास चले गए, आपने राबिता कर लिया, तो पैगंबर ने फरमाया आपके लिए दुनिया में भी बुज़ुर्गी है, आखिरत में भी बुज़ुर्गी है। ये दो सिफतें। तीसरी सिफत पैगंबर ने फरमाया वतहलुमा इज़ा जहिला अलैक, आप हिल्म और बुर्दबारी से पेश आए उस इंसान के सामने जिन्होंने आपके बारे में जहालत के साथ पेश आया है, हिमाकत और नादानी के साथ। यानी उन्होंने आपके साथ जो है वो नाजेबा अल्फाज कहे हैं और आपके साथ जहालत के साथ जो है वो पेश आया है। जैसे कुरान में आया है वइज़ा मर्रु बिल जाहिलीन मर्रु किरामा, जब वो जाहिलीन के नज़दीक से गुज़रते हैं तो बुज़ुर्गी के साथ गुज़रते हैं। बुज़ुर्गियों की अलामत ये है कि वो जाहिलों के साथ बराबरी नहीं करते। अगर वो नाजेबा अल्फाज भी कहें तो आप बुज़ुर्गी के साथ पेश आते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल के सामने आए, पेश हुए, तो जाहिलों ने जहालत के साथ पेश आया, उनको बुरे और नाजेबा अल्फाज कहे, उन्होंने उसका जवाब सलाम के साथ दिया। जाहिल जहालत के साथ पेश आ रहे थे और जो बुज़ुर्ग है वो सलाम कर रहे थे और उनके हक़ में जो है दुआ कर रहे थे। लिहाजा तीसरी सिफत यह है कि जो जाहिल लोग हैं उनके साथ जहालत में बराबरी ना करें, बल्कि आप हिल्म और बुर्दबारी करते हुए इसको बर्दाश्त करें, उसको तहम्मुल करें। तो ये तीन सिफतें दुनिया और आखिरत दोनों की बुज़ुर्गी की अलामत है। पहली सिफत अंताफ़ु अम्मन ज़लमक, जिन्होंने आपके ऊपर जुल्म किया उनको माफ़ कर देना। दूसरी सिफत जिन्होंने आपके साथ राबिते को मुनक़ते किया है उनके साथ राबिता रखना और राबिते को बढ़ाना। तीसरी सिफत जिन्होंने आपके साथ जहालत की है और उनके साथ बुज़ुर्गी के साथ जो है ना वो पेश आना। मज़ीद रिवायत में है, ये रिवायत जो है ये भी सरवर कायनात ख़त्मी मरतबत का फरमान है। पैगम्बर ने अपनी उम्मत को अफ़ू का दस्तूर दिया है, अगर तुम पैगंबर की उम्मत में से हो तो तुम माफ़ किया करो, दरगुजर किया करो। माफ़ी का नतीजा ये है, माफ़ी का अंजाम ये है, माफ़ करने वालों को खुदा इज़्ज़त देता है, मकाम देता है। माफ़ करने वाले छोटे नहीं होते, माफ़ करने वाले बुज़ुर्गी पाते हैं, इज़्ज़त पाते हैं। पैगंबर ने फरमाया अफ़ू की आदत पैदा करो, गुज़श्त करने की आदत पैदा करो। अगर तुम अफ़ू करोगे तो तुम्हें मेराज बंदगी मिलेगी, वो मकाम जो बुज़ुर्ग हस्तियों का मकाम है वो मकाम खुदा तुम्हें अता करेगा। देखें ये रिवायत को आपके सामने बयान करता हूँ। ये रिवायत जो है नहजुल फसाहा सफ़ा नंबर 138 पर भी है और मीज़ानुल हिकमा बाब व अफ़्व में भी ये रिवायत मौजूद है और हमारी अक्सर रिवायी किताबों में ये रिवायत मौजूद है। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिल अफ़्व, पैगम्बर ने अपनी उम्मत को अफ़्व और दरगुजर करने की दस्तूर देते हुए फरमाया तुम्हारे ऊपर ज़रूरी और लाजिमी है एक दूसरे से दरगुजर किया करो, अफ़्व किया करो और चश्म पोशी किया करो उनके ख़ताओं को। क्यों? फ़इन्नल अफ़्वा ला यज़ीदुल अब्दा इल्ला इज़्ज़ा, अफ़्व बंदे के लिए इजाफ़ा नहीं करता है मगर उसकी इज़्ज़त में, मगर उसकी मकाम और मंजिलत में। ला यज़ीदुल अब्द, आब्द के लिए इजाफ़ा नहीं करता है अफ़ू इल्ला इज़्ज़ा, मगर उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है, उसके मकाम में इजाफ़ा करता है। यानी जब वो माफ़ कर लेता है तो उबूदियत और बंदगी का मेराज को पा लेता है। वो लोग उबूदियत की मेराज पे जाएंगे जो अहले अफ़ू है, अहले गुज़श्त है। फिर मज़ीद फरमाया फ़ताफ़ू युइज़्ज़ुकुमुल्लाह, ए उम्मत नबी, ए मोमिनीन, एक दूसरे को माफ़ किया करो, एक दूसरे के ख़ताओं को दरगुजर किया करो। युइज़्ज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम सबको इज़्ज़त और मकाम अता करेगा। मज़ीद सरवर कायनात ने फरमाया खुदा अफ़ू करने वाला है और अफ़ू करने वालों को बहुत चाहता है। खुदा के पास वो लोग महबूब हैं, वो लोग पसंदीदा बंदे हैं जो अहले अफ़ू है, इसलिए कि उनने खुदाई की सिफत को अपना लिया है, अंबिया की सिफत को अपना लिया है। खुदा अफ़ू है, बहुत ज़्यादा अफ़ू करने वाला है। यह पैगम्बर का फरमान है इन्नल्लाहा अफ़ूउन युहिब्बुल अफ़्वा, खुदा बहुत माफ़ करने वाला है, बंदों की ख़ताओं और गुनाहों को माफ़ कर देता है और उस इंसान को खुदा बहुत चाहता है, उससे बहुत मोहब्बत करता है जो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। मज़ीद फरमाया तजावज़ू अन असरातिल खातिईन, जो ख़ता करने वाले हैं, जो गुनाह करने वाले हैं, उन ख़ता करने वालों को, जो इश्तिबाह करने वाले हैं, तुम्हारे शान में गुस्ताखी करने वाले हैं, उनको माफ़ कर दो। अगर तुम माफ़ करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करेगा। मज़ीद फरमाया मैं याफ़ू याफ़ुल्लाह, यह नहजुल फसाहा में है, जो लोग माफ़ करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की ख़तियों को, अल्लाह ताला भी उनको जो है वो माफ़ करता है। फिर फरमाया इन्नल्लाह काना अफ़ूवन गफ़ूरा, ये सूरह मुबारका निसा की आयत नंबर 33 है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने लिए दो सिफतें बयान फरमाया है। पहली सिफत इन्नल्लाह काना अफ़ूवा, खुदा बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, यानी बहुत ज़्यादा दरगुजर करने वाला है। देखें अरबी गिरामर में है अफ़ूउन गफ़ूरुन, ये सिगाए मुबालगा है। जैसे अगर शुक्र करें, शुक्र में हद से ज़्यादा आगे गुजर जाए तो उसको शकूर कहते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला। और सब्र में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सब्र करने वाला तो उसको सबूर कहते हैं। कुफर में हद से ज़्यादा गुजर जाए तो उसको कफूर कहते हैं। कभी कभार शुक्र करे तो उसका नाम शाकिर है, हमेशा शुक्र करे तो वो शकूर है। और कभी कभार जो है मिसाल के तौर पर जो है वो एक दूसरे को माफ़ करे तो उसको अफ़ू नहीं कहते, वो आफ़ी है, आफ़ी नानी नाज आया है, आप कभी कभार अफ़ू करने वाला। लेकिन हमेशा जो अफ़ू करने वाला है उसका नाम अफ़ू है। तो अल्लाह ताला ने अपने लिए सिफत फरमाया इन्नल्लाह काना अफ़ूवा, यानी हमेशा माफ़ करने वाला है, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। इसी तरह से गफ़ूर, एक है गाफिर, जैसे कुरान में आया है गाफिरुज़्ज़म्बि वत्तौब, खुदा बंदे के गुनाहों को और गाफिरुज़्ज़म्ब गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो गाफिर के माने माफ़ करने वाला है, लेकिन गफ़ूर के माने बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। अब देखें खुदा की सिफत क्या है इन्नल्लाह कान अफ़ूवा, खुदा बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। गफ़ूरा, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है, मग़फ़िरत देने वाला है। तो खुदा तो हमेशा माफ़ करता है, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, तुम्हारे ख़ताओं को माफ़ कर देता है, तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाल देता है। जैसे दुआए कुमैल में क्या खूबसूरत जुमला मौलाना ने फरमाया फ़बिफ़ज़लिका अख़फ़ैता हुआ सातरता, खुदा ये तेरा लुत्फ़ है, तूने मेरी खामियों को छुपाया है, गलतियों पर पर्दा डाल दिया है और फिर गलतियों को माफ़ कर दिया, ये तेरा लुत्फ़ करम है। तो खुदा की सिफत यह है कि गलतियों को छुपाता है, गलतियों पर पर्दा डालता है और न तना छुपाता फिर माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम भी खुदाई अखलाक को अपना लो। तखल्लक़ू बि अखलाक़ अल्लाह, अखलाक़ इलाही को अपनाओ। अखलाक़ इलाही क्या है? खामियों को छुपाना, खामियों पर पर्दा डालना, फिर माफ़ कर देना और दिल को पाकीज़ा और साफ़ कर देना। जैसे कुरान पाक की आयत है कि अगर तुम वाक़न खुदाई सिफत को अपनाना चाहता है तो ये आयत है सूरह मुबारक हिज्र की आयत नंबर 85 है। इन्न साअत आतियतुन फस्फह सफ़हल जमील, बेशक क़यामत आने वाली है, तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला है, हर इंसान को खुदा की बारगाह में पेश होना है। यौम यक़ूमुन्नास लिरब्बिल आलमीन, पूरी बशरियत खुदा के सामने खड़े होंगे, अपने अमाल के हिसाब किताब देना है। फरमाया फस्फह सफ़हल जमील, क़यामत के दिन अगर माफ़ी चाहते हो, बेहतरीन मकाम चाहते हो तो फस्फह तुम दरगुजर कर दो, माफ़ कर दो, सफ़हल जमील बेहतरीन तरीक़े से। इसी आयत की जेल में रिवायत है सफ़हल जमील यानी बेहतरीन और शाइस्ता तौर पर माफ़ कर दो। सफ़हल जमील क्या है? रिवायत में आया है सफ़हल जमील एक मरतबा ज़बान से माफ़ कर देते हैं, भाई कोई बात नहीं, तुमने ख़ता की, तुमने गलती की और तुमने मेरे बारे में गुस्ताखी की, मैंने तुमको जो है ना वो माफ़ कर दिया है। लेकिन ज़बान से तो माफ़ किया है, दिल में बात रहती है, दिल से वो बात नहीं निकलती। फ़र्ज़ करते हैं आपके बारे में किसी एक शख्स ने जुल्म किया था और वो बात जो है ना आपके दिल में तौहीन की, आपकी तहक़ीर की, दुनिया में होते गुस्से में आ गया तो आपकी तौहीन की, लड़ाई की, एक हाथ भी मार दिया आपके ऊपर, लेकिन आपने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया और दिल में बात रही कि यार उसने मेरी बेइज्जती की थी, उसने जो है मेरे तौहीन की थी, या सबके सामने आपके बारे में बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आप बुज़ुर्ग थे, कुछ बात नहीं कही, आपके दिल में बात रह गई। एक दिन उसने जो है ना माफ़ी मांग लिया या आपने अपने तौर पर, भाई तुमने तो गलती की थी, मैंने तुमको माफ़ कर दिया, ये ज़बानी है, ज़बानी तौर पर आपने माफ़ कर दिया है, लेकिन दिल में बात रहती है। और कभी कभार जब फिर ये मकाम आया था आप कहते भी कि मैंने तुमको माफ़ किया था। अब दिल में जो बात है उसको दिल से भी निकाल दें। सफ़हुल जमील रिवायत में आया है ज़बान से माफ़ करने के साथ साथ दिल को भी पाकीज़ा करें, दिल को भी साफ़ सुथरा कर दे। यानी जिस तरह तुमने ज़बान से माफ़ किया है, दिल से भी माफ़ करने के साथ साथ दिल में भी कोई बात न रखे। मोमिनीन किराम, ये अख्तामी अल्फाज है। बहुत सारे मकामात पर हमारे दिल में बात रहती है। अगर आपके शान में गुस्ताखी की गई है, आपके बारे में नाजेबा कलमात कहे गए हैं, आपकी तौहीन की गई है, आपके हक़ मारा गया है, तो या तो आपके दिल में बात न तनहा दिल में है, आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में अदावत करते हैं, दुश्मनी करते हैं और माफ़ भी नहीं करते, और फिर अगर आप बुज़ुर्गी के साथ उसको माफ़ भी कर दें तो फिर आपके दिल में बात रहती है। अगर आप क़यामत में वाक़न बुज़ुर्गी चाहते हैं, इस आयत पर अमल करना चाहते हैं, तो सफ़हुल जमील इंतहाई ज़ेबा और शाइस्ता तौर पे माफ़ करो। रिवायत में आया है शाइस्ता तौर पे माफ़ करना यह है कि जिस तरह ज़बान से माफ़ करते हैं, दिल से भी माफ़ करें। आप उससे इंतकाम लेने की क़ुदरत रखते हैं, आप उससे इंतकाम ले सकते हैं। अगर आपने उसने आप पर एक हाथ मारा है, उसने आपका हक़ ज़ाया किया है, आप उसका उससे हक़ ले सकते हैं, आपके पास कुदरत है। लेकिन कुदरत होने के बावजूद माफ़ कर देना, इसका नाम सफ़हुल जमील है और यही बुज़ुर्गी है। इसी वजह से मौलाए कायनात का एक ख़ूबसूरत फरमान, इस पर आज के दर्स का अख्ताम करता हूँ। मौलाए कायनात ने फरमाया, अगर तुम्हें अपनी दुश्मन पर कुदरत हासिल हो जाए और तुम उसको ज़ेर कर सकते हो, नाबूद कर सकते हो, मार सकते हो, लेकिन इसके बावजूद कि तुम्हारे पास इंतकाम की क़ुव्वत है, उसको बख्श देना, ये तुम्हारी कुदरत का शुक्राना है। अगर खुदा ने तुमको कुदरत दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको ख़त्म कर दो, नाबूद कर दो, उसको हिदायत कर दो, उसको जो है वो माफ़ कर दो। ये मौला का फरमान है। देखें, इज़ा क़दरता अला अदुविक फ़ज्अलिल अफ़्वा शुक्रन लिल क़ुदरति अलैह। अगर तुम्हें अपने दुश्मन पर ग़लबा हासिल हो जाए, कुदरत हासिल हो जाए, इंतकाम तुम ले सकता है तो इंतकाम मत लो, उसको माफ़ कर दो। फरमाया फ़ज्अलिल अफ़्वा इंद ज़ालिक शुक्रन लिल क़ुदरति, इस कुदरत का शुक्राना करार दे दो। यानी तुम खुदा का शुक्राना इस तरीक़े से अदा करो, खुदाया तूने मुझे इस पर ग़लबा दी, इस पर कुदरत दी, लेकिन मैंने उस पर इंतकाम नहीं लिया और उसको मैंने माफ़ कर दिया है। मोमिनीन किराम, अफ़ू दुनिया और बुजुर्गी का तरीक़ा है और ख़ुदा की आफ़ू को पाने का वसीला है। आल मोहम्मद की बहुत ज़्यादा सिफारिशात में से एक अहम तरीन सिफारिश जो है वो अफ़ू है। इन रिवायात पर, इन आयात पर अमल करते हुए, बुज़ुर्गी इख्तियार करते हुए, ख़ुदा की सिफत को इख्तियार करते हुए, आपके शान में किसी ने गुस्ताखी की हो तो इन चीज़ों को दिल में न रखिए, माफ़ कीजिए ताकि खुदा के अफ़ू को भी आप हासिल कर सकें। खुदाया परवरदिगार, तेरे अम्बिया का वास्ता, तेरे औलिया का वास्ता, खुदाया तेरी अफ़ू और गुज़श्त का वास्ता हमें बुज़ुर्गी इख्तियार करने की, अफ़ू करने की, दरगुज़र करने की, माफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। खुदाया अफ़ू करके, दरगुज़र करके, आफ़ीन के लिए, माफ़ करने वालों के लिए तूने जो अजीम अज्र व सवाब क़रार दिया है उस मकाम को, उस सवाब को पाने की हमें तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। खुदाया परवरदिगार, हज़रत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा, हमें उनके असहाब और अंसार में शामिल फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिजाहि मुहम्मद व आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।